उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में आपका चल रहा था अपॉइंटमेंट, यानी कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और निकाय, यहाँ से आपका दो तीन क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और किसकी नियुक्ति कौन करता है ये क्वेश्चन बन सकता है, या पुलिस बल की बॉडी या संस्थाएं या निकाय कौन कौन सा है ये बनता है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अराजपत्रित अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी, तो एक लाइन बस ये याद रखना है कि DYSP यानी कि पुलिस उपाधीक्षक और उसके ऊपर के जो भी अधिकारी पुलिस के होंगे वह राजपत्रित होंगे या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे, और DYSP से नीचे के जो अधिकारी पुलिस के होंगे, जैसे इंस्पेक्टर हुआ, सब इंस्पेक्टर हुआ, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल हुआ, ये जो चार प्राधिकारी हैं ये आपका पूछा भी गया है, ये सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारी कहे जाते हैं और इन्हें अराजपत्रित पुलिस अधिकारी माना जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। इसके बाद से आपका जो पुलिस बल का निकाय पूछा जाता है, तो पुलिस बल के निकाय से हमें फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। लिख लीजिए भाई अध्याय आपका, अध्याय 29 नियुक्ति हमें शुरू करना है। यहाँ से आपका 6-7 पैरा तैयार रखिएगा, फिर हम बता दें कौन कौन सा पैरा आने के चांस रहते हैं। वह पैरा आपका जो, एक तो आपका पुलिस बल के कितने निकाय होते हैं, तो पुलिस बल के अगर बॉडी पूछे तो 3 मार्कर आइएगा। दूसरा इसमें पूछ सकता है कि इन 3 में से आपका किसे पुलिस अधिनियम के तहत भर्ती किया जाता है, तो तीनों को नहीं बल्कि आपका इसमें से केवल 2 को भर्ती किया जाएगा, अभी हम बताएंगे। और आपका देखिए अब बेयर एक्ट की भाषा, पैरा नंबर आपका 396, आपका पुलिस बल के निकाय या पुलिस बल की बॉडी कौन कौन होती हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस बल के कितने निकाय होते हैं, 3 निकाय होते हैं कौन कौन। तो पहला दिया है प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस, ये पहला निकाय हो गया। इनकी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत की जाती है, यानी कि धारा 2 के तहत। दूसरा निकाय है GRP यानी कि सरकारी रेलवे पुलिस, कल बताया गया था कि सामान्य जो पुलिस भर्ती होते हैं उन्हीं को कम से कम 3 साल के लिए सेवा काल में एक बार GRP में भेजा जाता है। आपका यानी कि सरकारी रेलवे पुलिस में सेवा के लिए, और ये इनकी भी भर्ती धारा 2 के तहत राज्य सरकार करती है। तीसरा निकाय है गांव का चौकीदार, तो कई बार बता चुका हूँ मैं कि गांव का जो चौकीदार है या जो ग्राम पुलिस होती है इनकी नियुक्ति धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नहीं की जाती, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, DM, इन पर कंट्रोल कौन करता है, DM, ये किसके कंट्रोल माने ये कौन दंड दे सकता है, DM, और कौन इन्हें बर्खास्त कर सकता है, DM। तो 3 निकाय हैं, याद रखिए 2 जो बॉडी हैं उसकी नियुक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार करती है, और एक जो ग्राम का चौकीदार है इसकी नियुक्ति कौन करती है, कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट। इसके बाद पैरा नंबर 297 आ जाना है, पुलिस बल में कौन राजपत्रित कौन अराजपत्रित अधिकारी होंगे, तो 5 राजपत्रित अधिकारियों का और 4 लिस्ट दी गई हैं, और राजपत्रित अधिकारियों का भी भूमिका में बताया गया, दोबारा न बताया जाए इसे,
तो कौन कितने प्रकार के राजपत्रित अधिकारियों का उल्लेख किया गया है? पांच। और फिर आपका 398 में और राजपत्रित अधिकारी हैं, ये सबॉर्डिनेट क्लास के अधिकारी हैं, ये भी पूछा जाता है। तो कितने प्रकार के सबॉर्डिनेट क्लास के अधिकारियों का उल्लेख है? चार। तो कौन कौन है? इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक यानी कि हेड कांस्टेबल, और लास्ट में कांस्टेबल यानी कि आरक्षक। ये सबॉर्डिनेट भी हैं और अराजपत्रित भी हैं, दोनों मार्क कराएगा। किस पैरा में? 298, इसके बाद नहीं 398, इसके बाद 399। देखिए आपका एसपी और उसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है, एक लाइन में। जो महत्वपूर्ण आपका है, सहायक एसपी या असिस्टेंट एसपी या सहायक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कैसे होती है, ये हो सकता है पूछ ले। तो पैरा नंबर 400 अंडरलाइन करिए, असिस्टेंट एडिशनल ना मार दीजिएगा, सहायक मतलब असिस्टेंट। तो सहायक जो एसपी होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति भारत सरकार का जो आयोग है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होती है। इंडियन पुलिस सर्विस में जो लोग आईपीएस कहा जाता है, जो लोग इंडियन पुलिस सर्विस में भर्ती होते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और नियुक्त करके राज्यों में भेजते हैं। राज्यपाल इनकी नियुक्ति नहीं करते, राज्यपाल केवल अनुमोदन करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो फिर एक बार देखिए, जो जितने आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है, उनको बर्खास्त करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही होगी, ये राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकते। बस सरकार क्या कर सकती है, रिकमेंड राष्ट्रपति के पास भेज सकती है कि इस आईपीएस को क्या किया जाए, टर्मिनेट। राज्यपाल को और राज्य सरकार को पावर नहीं है। हाँ, निलंबित कर सकती हैं, डिमोशन कर सकती हैं, इत्यादि कर सकती हैं, लेकिन नौकरी नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि नौकरी छीनने का अधिकार उसी प्राधिकारी को है, पब्लिक सर्वेंट में, जो प्राधिकारी उस व्यक्ति को क्या किया है, अपॉइंट। अब आपका इसको जो जो व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में पास होता है और राज्यों को भेज दिया जाता है राज्य में नौकरी करने के लिए, इनकी नियुक्ति अखिल भारतीय आपका सेवा के द्वारा होती है, ऑल इंडिया सर्विस के द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवा के बारे में प्रावधान अनुच्छेद कवर करना है, बैरेक पर ही लिख लीजिएगा। अनुच्छेद बिहार उहार में कई बार आया है और UPHJS में भी इस बार आया था, हो सकता है आगे संविधान में कोरिलेट करे। तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा पूछे तब भी अनुच्छेद 312 ही मारना है, और जो HJS में पूछा था अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, ये इस बार पिछली बार HJS में बना था, कई लोग खोते रह गए इधर उधर। तो भी प्रावधान आपका किस आर्टिकल में है? 212, 312, 312 में ही है। अब आपका यानी कि ये बताया गया, अब बिहार उहार में जो क्वेश्चन संविधान में बना है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन कैसे किया जा सकता है, तो आपका सबसे पहले ये तरीका है कि राज्य सरकार एक प्रपोजल पास करे। जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव पास नहीं करेगी, संसद को अखिल भारतीय सेवा के बारे में कानून बनाने का हक नहीं है। याद रखिए, कौन पास करेगा प्रस्ताव? राज्यसभा।
उसके बाद संसद कानून बनाकर अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना कर सकती हैं। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की नियुक्ति यूनियन या संघ द्वारा की जाती है, लेकिन वह व्यक्ति काम कहाँ करता है? राज्यों में। ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। इसके बाद आपका 401 भी छोड़ देना है। 401 में आपका DYSP की नियुक्ति या तो प्रमोशन द्वारा हो सकती है, यानी कि इंस्पेक्टर को ही क्या बनाया जा सकता है, DYSP, या सीधी नियुक्ति भी होती है तो सीधी नियुक्ति के लिए राज्य करता है सीधी नियुक्ति, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कर रहता है, एग्जाम, और DYSP के पद पर क्या करता है, नियुक्ति। तो या तो प्रमोशन द्वारा हो सकती है या सीधी भर्ती भी होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से। इसके बाद आपका 403 पढ़ना है, रिजर्व निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति। तो जो रिजर्व माने रिजर्व इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका उनके पद पर डायरेक्ट नियुक्ति नहीं की जाती, बल्कि जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, यानी कि जो उप निरीक्षक होते हैं उन्हीं का कुछ समय बाद प्रमोशन करके निरीक्षक बना दिया जाता है। तो एक क्रम बनाइए, सबसे पहले भाई कांस्टेबल में भर्ती हुआ, कुछ समय बाद हेड कांस्टेबल बना, कुछ समय बाद प्रमोशन करके सब इंस्पेक्टर बना। वैसे पुलिस वाले यहाँ तक जाते जाते सेवा समाप्त हो जाती है, समय लगता है, लेकिन अगर अच्छा आचरण दर्शाया है, अच्छा कार्य किया है, तो प्रमोशन आपका जल्दी हो सकता है, और हो सकता है कि थानेदार बन जाए, उसके बाद DYSP भी बन जाए। एक झाट बंद करिए, ऊपर वाला है, वो आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। हाँ, एक एक देखिए आप, ये हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए, यानी कि आपका जल्दी भी प्रमोशन हो सकता है। अगला देखिए आपका, इसके बाद जो आपको पढ़ना है कुछ पैरा फिर छोड़ना है इधर, और आपका कह सकते हैं कि 409 आ जाइए, 409। वैसे जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं, जितना तीन चार चार पैरा शुरुआती दौर में हमने बताया, ज़्यादातर 99% चांस रहते हैं कि वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं, अब 1% के लिए सब बताया जा रहा है, नहीं तो वहाँ से क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। सशस्त्र और सिविल पुलिस के आरक्षी की नियुक्ति, यानी कि जो आर्म्स फोर्स हैं या जो सिविल फोर्स हैं उसमें जो कांस्टेबल मतलब आरक्षी होता है, आरक्षी की जो नियुक्ति होगी, अब उसके लिए आपका कह सकते हैं कि एज कितनी होगी, क्या क्या इत्यादि क्या होगा। तो एज स्पष्ट लिखा है 18 साल से ऊपर हो लेकिन 23 साल से कम हो। इसमें OBC, SC और ST को रिजर्वेशन एज में दिया जाएगा। तो 18 से कितने के बीच में हो, आपका 23 के। अब इसमें यह है कि राज्य सरकार कुछ छूट देती हैं, जैसे कि आपका सेना में था और सेना से रिटायर हो गया, फिर चाहता है कि वह पुलिस में भर्ती हो जाए, तो यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ छूट दी जाती है। और जैसे कि दूसरी अन्य सेवाओं में था, सरकारी दूसरी नौकरी में था, उनको भी कुछ छूट दी जाती है, तो उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आइए, जो भर्ती होंगे उनकी माप होगी सीना ओना की, ये भी नहीं पढ़ा जाता आपका, पूछा नहीं जाता, शर्तें क्या हैं। अब आपका पैरा 416 आ जाइए, पैरा 416 और 417 महत्वपूर्ण है इधर। दो पैरा आपका पुलिस अधीक्षक
त्याग पत्र दिए आरक्षी को पुनः भर्ती करने के लिए प्राधिकृत हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब अब त्याग पत्र पुलिस से दिलवाइए और फिर उसको पुलिस में भर्ती करवाइए, ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पुलिस वाला पुलिस बल से त्याग पत्र देता है तो उस त्याग पत्र के लिए आपका सेक्शन 9 बना है, यानी कि कौन सी धारा कवर करेंगे, पहले 9। तो बताइए धारा 9 बताया गया था, त्याग पत्र का नियम बताती है कि प्रतिबंध लगाती है, त्याग पत्र पर रोक लगाने वाले नियम वैध होंगे कि अवैध। अवैध माने वैध होंगे, यानी कि अवैध नहीं। अगर सरकार चाहे तो क्या जबरदस्ती, यानी कि आपका कह सकते हैं कि जबरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता भाई, उसको कहा जाएगा आपका किसी व्यक्ति को बल में बनाए रखने के लिए बाध्य कर सकती है कि नहीं, राज्य सरकार कर सकती है, इस्तीफा मंजूर करने से इनकार या डिनाई कर सकती है। तो इस्तीफा कैसे दिया जा सकता है पूछा जाता है, तो पहला नियम है कि वरिष्ठ अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना दीजिए, 2 माह, और वरिष्ठ अधिकारी रजामंद हो जाए। दूसरा, बिना सूचना के भी दे सकते हैं एसपी को, और एसपी स्वीकृति दे दे। यानी कि इसका मतलब सामान्य नियम ये है कि आप 2 माह पहले सूचना दीजिए। दूसरा भी नियम है कि आप बिना सूचना के भी त्याग पत्र दे सकते हैं अगर एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी क्या हो जाएं, रजामंद। अगर ये लोग चाहें तो आपका इस्तीफा स्वीकार करने से क्या कर सकते हैं, इनकार, और बिना 2 माह के पूर्व सूचना दिए या बिना इस्तीफा दिए नौकरी से भाग जाता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी दंड का भागी होगा। और आपका 28 बताई गई थी ना, देखिए तो 29 है ना, धारा 29 के तहत दंड का भागी होगा, ये भी याद रखना है। तो धारा 9 और 29 एक साथ पढ़ना है। अब इस्तीफा दिलवाइए और पुनः भर्ती करवाइए तो कौन सा पैरा हम बता रहे हैं, 416। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल से एक बार इस्तीफा दे दिया है, पुनः पुलिस बल में भर्ती होने आ गया है, तो पुलिस अधीक्षक को ये पावर है कि उसे पुनः भर्ती करें। लेकिन आपका ये देखा जाएगा कि यह क्यों इस्तीफा दिया था, कहीं यह दुष्चरित्रता या मिसकंडक्ट तो नहीं किया था। इस्तीफा देने के कारणों पर भी क्या किया जाएगा विचार, हो सकता है कि उसके घर का कोई सदस्य बीमार हो, वह परेशान हो और इलाज के लिए छुट्टी न मिलने के कारण अगर इस्तीफा दिया है, 1 साल बाद सही हो गया उसके घर का आदमी, पुनः वैकेंसी निकली पुलिस की, पुनः वह फार्म भरा, तो ये अच्छा कारण है इस्तीफा देने का कि हमारे घर के लोग क्या थे, बीमार, तो पुनः भर्ती किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं किसकी स्वीकृति आवश्यक है, पुलिस अधीक्षक, बस इतना जानना है। इसके बाद 417 आ जाइए, सरकारी सेवाओं की अन्य शाखाओं का परित्याग करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। तो क्या आपका जैसे कि अन्य विभागों से लोग नौकरी छोड़ दिए हैं, पुलिस में भर्ती होने आए हैं, तो क्या इनको भर्ती किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, लेकिन सतर्कता ये बरतनी है कि उस विभाग में क्या ये मिसकंडक्ट के कारण टर्मिनेट या बर्खास्त तो नहीं हुए थे, ये भी देखा जाएगा। तो फिर एक बार सतर्क रहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेवा से दुर्व्यवहार या मिसकंडक्ट के कारण एक बार टर्मिनेट हो गया है,
एक बार बर्खास्त हो गया है तो वह किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होता। हमें इस्तीफा देने पर योग्य है, लेकिन टर्मिनेट होने पर वह योग्य नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्युत विभाग में सर्विस करता था और दुराचरण के कारण विभाग ने बर्खास्त कर दिया, पुलिस की भर्ती आई और सोचा कि चलो पुलिस में भर्ती हो जाए, बिजली विभाग से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे मिसकंडक्ट करके, तो ऐसी दशा में क्या उसे पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि एक बार जब मिसकंडक्ट के कारण किसी भी विभाग से बर्खास्त हो चुके हो, तब सरकारी नौकरी के योग्य होगे कि अयोग्य? अयोग्य। तो जब भी फार्म निकलता है, आप एक गौर नहीं करते, वो इंटरनेट वाले को आप दे देते हैं नाम पता, उसमें कालम कई रहते हैं, क्या आप इसके पहले किसी सेवा से बर्खास्त हुए हैं? तो आप कुछ नहीं बोलते, वो खुद ही इंटरनेट वाला, साइबर कैफे वाला नो मार देता है आपका। लेकिन अगर अब क्या आप, मैंने ये लिखा रहता है उसमें ऑप्शन रहता है कि क्या आप कहीं अन्य सर्विस करते हैं, तो बताइए, ए नो सी लीजिए यानी कि नो ऑब्जेक्शन लेटर लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और वो दर्शाइए कि हम अन्य जगह सेवा करते हैं, जैसे APO ही हैं। तो जो लोग अध्यापक हैं या किसी सर्विस में हैं, तो जो सामान्य एज हैं उसके बाद उनको छूट दी जाती है, और 5 साल की छूट दी जाती है। मैं बता दूं तो जैसे कि कोई टीचर हैं, 40 साल का है जनरल का व्यक्ति, तो वह अब सरकारी नौकरी में है तो 45 साल तक APO का फॉर्म क्या कर सकता है, भर सकता है। तो भाई कई लोग पढ़ते भी हैं, आपका सामने वाले बैच में जो अध्यापक है और APO का फॉर्म डाले हैं, यानी कि वहाँ ऊपरी कमाई कम है, यहाँ APO में क्या है, ज़्यादा। एक लोग फोन किए कोचिंग के ही थे कि जब तक 2-3 हज़ार पॉकेट में नहीं आ जाता, पता ना क्यों मन बेचैन रहता है, और तब तक मैं कोर्ट में रहता हूँ जब तक कि 2-3 हज़ार कम से कम क्या ना हो जाए, पॉकेट में आ जाए। कैसे आएगा? तो रिमांड कराना है, अभियुक्त को जमानत मिल गई तो कागज दिलवाना है, विरोध न करिए अभियुक्त का तो ऐसे जमानत मिल जाएगी। तो 500 रुपया अभियुक्त के वकील ने APO साहब को थमाया और कहिएगा कहा कि केवल आप मौन रहिएगा, मैंने कुछ विरोध न करिएगा, हम तो अभियुक्त को क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट से छुड़ा ही लेंगे, यानी कि जमानत दिलवा देंगे, बस आप मौनी बाबा बन जाइएगा, कुछ विरोध ना। वैसे भी जल्दी बोलते नहीं हैं आपका, बहुत मैंने कम ही बहस करते हैं लोग, प्राइवेट वकील ही चढ़े बैठे रहते हैं। तो आपका अब इसका मतलब ये हुआ, 417 भी अच्छे से तैयार करके जाइए, फिर आपका जो मैंने आपका इधर फिर कुछ पैरा छोड़ना है। अब 423 से क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए। 423 नियुक्ति का प्रमाण पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका कह सकते हैं कि किस पैरा के तहत दिया जाता है, तो आपका जवाब रहेगा 423 के तहत, 423 के तहत। अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती हुआ तो एक तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है और दूसरा आपका ज्वाइनिंग लेटर अलग से दिया जाता है, तो दोनों के बारे में समझिए। प्रमाण पत्र दिया जाता है तो धारा 8 काम करेगी, सेक्शन 8, और जब पुलिस बल में वह न रहे तो प्रमाण पत्र को वापस कर दे, अगर वापस नहीं करता तो वह दंड का भागी होगा। और धारा 28 में देखिए तो एक बार, हल्का सा भी संदेह हो
हाँ देखिए, आपका अगर वह सर्टिफिकेट वापस नहीं करता तो वह दंड का भागी होगा सेक्शन 28 में। फिर अभी एक पढ़ाना भी है आपका, देखिए अभी छूटा रह गया, जो एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस वाले नियुक्त किए जाते हैं, कार्मिक उड्डयन पुलिस, यानी कि जो एयरपोर्ट की जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वह 8A के तहत दिया जाता है, और वो भी प्रमाण पत्र अगर पुलिस बल में न रहने पर नहीं लौटाते तो धारा 28 के तहत दंड के भागी होंगे। अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है पैरा 423 के तहत, तो जब वह पुलिस बल से हट जाते हैं तो ये ज्वाइनिंग लेटर को वापस करना है कि घर लेकर चला जाना है, वापस करना है, और वापस नहीं करते तो दंड के भागी होंगे, और फिर धारा 28 ही काम करेगी, यानी कि आप जब नौकरी छूट गई तो ज्वाइनिंग लेटर क्या करिए, लौटा दीजिए। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये अस्पष्ट रूप से पैरा नंबर कौन बता रहा है, 423। फिर इधर आपका कुछ पैरा छोड़ देंगे, अब आ जाइए प्रमोशन, आ जाइए। तो प्रमोशन कैसे होगा, किनका प्रमोशन कहाँ होगा, ये आपका देखना है। तो यहाँ से भी कम ही क्वेश्चन बनता है, पहले देख लीजिए क्रम। देखिए तो जो नीचे वाले प्राधिकारी हैं उनका प्रमोशन ऊपर होगा, तो पहले तो कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कांस्टेबल है तो प्रमोशन या पदोन्नत पाकर क्या बनेगा, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के ऊपर क्या है, सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर बनेगा। सब इंस्पेक्टर प्रमोशन पाएगा तो क्या बनेगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर प्रमोशन पाएंगे तो क्या बनेंगे, DYSP। DYSP प्रमोशन पाएंगे तो आपका अतिरिक्त, पहले SP नहीं बनाया जाता, या तो आपका असिस्टेंट SP या ज्वाइंट SP बना दिया जाता है, या एडिशनल SP। फिर ये लोग प्रमोशन पाएंगे तो SP, SP के बाद प्रमोशन पाएंगे तो DIG, उप पुलिस महानिरीक्षक, इसके बाद IG, महानिरीक्षक, और उसके बाद जो सबसे बड़ा पद है DGP, यानी क्या नहीं, यहाँ तक बचेंगे नहीं। देखिए क्रम बताया जा रहा है, ये सही कह रहे हैं कि कांस्टेबल अधिकतम आपका सब इंस्पेक्टर तक ही जीवन में पहुंच पाता है, बहुत अगर अभी बताया जाएगा बहुत तेज तरार हो, कई डकैतों को पकड़ लिया हो, कई अपराधियों को ठोक दिया हो सकता है टर्न आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाए, तब चांस रहता है, लेकिन DGP तक तो कांस्टेबल नहीं पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भले आपका DYSP तक पहुंच जाए, अलग बात है, वो भी बहुत ज़्यादा करने पर, बहुत अच्छी सेवा करने पर, ये नहीं कि ऐसे पहुंच जाए, उसमें भी आपका अभी बताया जाएगा थोड़ा बहुत आपका। और तो प्रमोशन आपका, अब देखिए आपका प्रमोशन के बारे में अध्याय 30 में है। अब आपका देखिए पहला पैरा 428, राजपत्रित पदों में प्रमोशन। तो बताइए राजपत्रित पद, फिर आपका वही काम करेगा कि राजपत्रित पद 396 में दिया गया, नहीं 397 में दिया गया था, किस प्राधिकारी से शुरू होता है, DYSP यानी कि पुलिस उपाधीक्षक। तो अगर किसी व्यक्ति को DYSP के पद पर प्रमोशन करना है या उसके ऊपर के अधिकारियों में करना है तो ये कौन करेगा, राज्यपाल। बस एक लाइन का क्वेश्चन है कि DYSP या उसके ऊपर के अधिकारियों के वर्ग में किसी व्यक्ति पुलिस अधिकारी का प्रमोशन करना है तो बस एक लाइन पूछ सकता है कि कौन प्रमोशन करने का हक रखता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। इसके बाद 430, उपाधीक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण, ये भी इधर आपका कम पूछा जाता है।
देखिए इधर से छांटना भाई, एक पैरा याद रखिएगा, फिर आपका 433 आ जाइए, 433 पैरा निकालिए। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय व्यक्तिगत फाइलें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आपका पुलिस महानिरीक्षक होगा, यानी कि जो आईजी साहब होंगे, उन वह प्रत्येक जो राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी कि DYSP और उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी एक गोपनीय फाइल रखेंगे। वह गोपनीय फाइल किसी को दिखाई नहीं जाएगी। उस पुलिस वाले की बातें उसमें लिखी जाती हैं, अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, कि कब शिकायत मिली, कब शिकायत सही पाई गई, और यही प्रमोशन में काम करती हैं। अगर गोपनीय बातों में कुछ उल्टा सीधा लिखा गया है तो प्रमोशन रुक भी जाएगा, और गोपनीय बातों में क्या लिखा गया है आपका अच्छी बातें, तो प्रमोशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो भी जाएगा। अब गोपनीय बातों में क्या लिखा गया है, तो जिस पुलिस वाले का वह रिकॉर्ड होता है उसे क्या बताया जाएगा कि नहीं, नहीं, जब गोपनीय है तो क्या रखा जाए, गोपनीय। इस पर विवाद कई बार आया, देखिए एक हाई कोर्ट में भी आया था, मैंने निकला था पेपर में। एक पुलिस अधिकारी था, उसका प्रमोशन रोक दिया गया। वह सूचना के अधिकार के तहत ये मांगा कि हमारा प्रमोशन क्यों रोका गया, तो सरकार का जवाब था कि ये गोपनीय बातें हैं, हम प्रकट नहीं कर सकते। वह चला गया उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, उच्च न्यायालय से मांग किया कि भाई हमारा अधिकार है कि हमारा प्रमोशन क्यों रोका गया है, हमें बताया जाए। तो उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया कि फाइल कारण बताइए कि इनका प्रमोशन आपने क्यों रोका। तो जब हाई कोर्ट का डंडा चल गया तो पूरा फाइल कहाँ आ गई उसकी, हाई कोर्ट, और तब उसे बताया गया। सामान्यतः बताया नहीं जाता, लेकिन आपका अगर ऐसा कार्य किया है जिस साम ये भी नियम है कि अगर ऐसा कार्य किया है जिसमें वह गलत कार्य किया है और वह सुधार के योग्य हैं, तो उसको बताया जाएगा कि तुमने ऐसा कार्य किया था, तुम्हारे करेक्टर की जो फाइल बनी है इसमें ये लिखा गया है, अभी भी मौका है, तुम क्या करो, सुधर जाओ। और दूसरी बात, आपका जिन मुद्दों पर उसका प्रमोशन रुक सकता है उसे भी बताया जाना चाहिए पुलिस को कि तुम्हारा ये मामला है और इस आधार पर तुम्हारा प्रमोशन क्या होगा, रुक सकता है। तो ये आईजी का कर्तव्य है कि जो सुधार, जो गलतियां वह सुधार सकता है या जिसके आधार पर उसका प्रमोशन रुक सकता है, वे बातें उस राजपत्रित अधिकारी को बताएं। वैसे पुलिस वाले जल्दी बताते नहीं हैं। अंत में आपका SP साहब और DYSP साहब प्रमोशन नहीं हो पाता तो किसका सहारा लेते हैं, आप लोगों का, और आप लोगों के माध्यम से कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आपका आदेशित करता है, थोड़ा समय लग जाता है। आइए आपका 433 याद रखिए, आपका गोपनीय फाइल रखी जाएगी। अब 434, इसके बाद निरीक्षकों की पदोन्नति, यानी कि आपका इंस्पेक्टरों की पदोन्नति। तो आप खुद बताइए, इंस्पेक्टर को अगर आपका कह सकते हैं कि प्रोन्नत की जाती है तो DIG ही कर सकते हैं, यानी कि पुलिस उप महानिरीक्षक ही। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका प्रमोशन कहाँ किया जाएगा, तो लिस्ट बनाए रखना है भाई, DYSP कहाँ किया जाएगा, तो ये कौन कर सकते हैं, DIG, DIG सक्षम है। इसके बाद आपका फिर कुछ पैरा इसमें छोड़ना है, देखिए आपका
नहीं, कुछ पैरा महत्वपूर्ण नहीं है, वो पूछा कभी नहीं जाता, आपका सामान्य है। इसके बाद आपका 448A पैरा निकालिए, 448A सापेक्ष ज्येष्ठता का निर्धारण, सापेक्ष ज्येष्ठता का निर्धारण, यानी कि कौन आपका ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाता है आपका 448A में। बस पैरा याद रखिएगा, इसमें भी कम पूछा जाता है, भाई देख लेते हैं आपका। हाँ, इसके बाद 457 पूछ सकता है, वाई कैडेट, वाई कैडेट अंडरलाइन कर लीजिए। वाई कैडेट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुलिस वाला असाधारण योग्यता प्रदर्शित करता हो तो उसका जो प्रमोशन है, माने उसे वाई कैडेट का विद्यार्थी माना जाएगा और उसका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। यानी कि बस एक लाइन है कि वाई कैडेट किसे कहा जाता है, तो जो असाधारण योग्यता रखते हो या बहादुरी का काम किया है, जैसे कि दो चार बहादुरी का काम करा दीजिए, जान पर खेल कर डकैत को पकड़ लिया, जैसे कि शोले में पकड़ लिए, कि जान भले चली जाए लेकिन गब्बर सिंह को हम क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो यह असाधारण योग्यता होती है। या लूट डकैती इलाके में हो रही थी, ऐसा सिंघम आया कि लूट डकैती पूरी तरह क्या हो गई, बंद। या चांदमारी जब हो रही थी तो बहुत अच्छा निशाने बाद निकला, और कई आपका कभी भी इसका निशाना चूकता नहीं है, फायरिंग जब ट्रेनिंग। तो अगर असाधारण योग्यता उसके पास है तो मैं फिर बता दूं, आपका उसका प्रमोशन आउट ऑफ टर्न होगा, अन्य लोगों से क्या हो जाएगा जल्दी। तो अगर कांस्टेबल है तो 2-3 साल में आपका हेड कांस्टेबल भी बन सकता है, हेड कांस्टेबल है तो फिर 2-4 साल में सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। हो सकता है कि आपका नियमों की अनदेखी करते हुए उसका क्या हो जाए, प्रमोशन, लेकिन उसको क्या दर्शाना पड़ेगा, आपका असाधारण योग्यता। और जो व्यक्ति, जो पुलिस वाले असाधारण योग्यता दर्शाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें किस कैडेट में रखा जाता है, वाई। तो बस एक लाइन, असाधारण योग्यता दर्शाने वाले कैडेटों को कहाँ रखा जाएगा, वाई कैडेट में। इसके बाद फिर कुछ पैरा छोड़ना है आपका। अब आइए, इसके बाद से आपका 459A, यहाँ समय पूछ सकता है, समय आपका ये पूछ सकता है कि अगर कोई घुड़सवार पुलिस है, उसका प्रमोशन होता है, तो वह 1 साल तक परिवीक्षा पर रहेगा और हेड कांस्टेबल है, और उसका प्रमोशन होता है तो वह 2 साल के लिए प्रोविशन पर रहेगा। लिख लीजिए अलग से भले, या अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। यानी कि जब प्रमोशन होता है, तो फिर एक बार लिख लीजिए अलग से, तो घुड़सवार पुलिस का प्रमोशन होने पर वह 1 वर्ष तक परिवीक्षा काल पर रहेंगे। अभी परिवीक्षा काल हम बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन जो आ सकता है। घुड़सवार पुलिस से प्रमोशन होने पर 1 साल तक परिवीक्षा काल, और हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होने पर 2 साल परिवीक्षा काल। भाई 2 साल हैं हेड कांस्टेबल के मामले में, पूछ सकता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल तक आपका उसके आचरण की बहुत गहनता से आपका केयर किया जाएगा।
अगर एक साल ये घुड़सवार पुलिस हैं, हेड कांस्टेबल हैं, तो प्रमोशन के अगले 2 साल के अंदर वह कोई गलत आचरण दर्शाता है, मिसकंडक्ट करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता है। फिर वह कहाँ आ जाएगा जहाँ से उसे क्या किया गया था प्रमोट। बहुत कड़ा नियम है। जैसे हाई कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं तो अस्थाई नहीं होते, वह परीक्षा पर ही होते हैं। 2 साल की परीक्षा पर हाई कोर्ट के जजों को 2 साल तक बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल के बाद राष्ट्रपति चाहे तो रेनुअल करे और चाहे तो रेनुअल ना करे। अगर रेनुअल नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में 2 साल बाद अपना पद उनका क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, फिर वकालत करिए। और अगर रेनुअल हो गया हेलो, मैंने हाई कोर्ट के जो जज नियुक्त किए जाते हैं, फिर एक बार याद रखिए, वो भी कितने दिनों के लिए किए जाते हैं आपका, 2 साल के लिए। उनको भी 2 साल के लिए परीक्षा पर रखा जाता है। अगर उनका कंडक्ट सही रहा तो अस्थाई किया जाएगा, अन्यथा जज के पद से वो स्वतः 2 साल बाद क्या होंगे, हट जाएंगे। वैसे आप लोग भी नौकरी सरकारी पाएंगे तो प्रोबेशन काल 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष तक घूस वूस न लीजिएगा ज़्यादा, मिसकंडक्ट न करिएगा, भले 2 साल के बाद क्या करिएगा, बोरा भरिएगा, वो अलग बात है भाई, कोई बुरा ना माने, उदाहरण दिया जा रहा है। उसी प्रकार घुड़सवार पुलिस से प्रमोशन हुआ तो निगरानी की जाएगी 1 साल, और हेड कांस्टेबल है तो 2 साल। अब बदमाशी करेंगे तो प्रमोशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नहीं बदमाशी करते हैं तो 2 साल बाद ये आपका रहेंगे। तो 2 साल सतर्कता बरतनी रहती है। पूछ सकता है, हो सकता है। आगे देखिए, हाई कोर्ट के जजों को भी जोड़ लीजिएगा इसी में। अब इसके बाद आपका जब परीक्षा काल भी हो गया, अब आ जाइए अध्याय 31, कुछ रिवार्ड दिलवा दिया जाए, यानी कि आपका कुछ इनाम दिलवाया जाए। इस इधर भी आपका 2-3 पैरा ही महत्वपूर्ण है। पहला, इनाम कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन, कौन कितना इनाम दे सकता है, यानी कि किसके लिए इनाम दिया जा सकता है, रिवार्ड दिया जा सकता है, और कितना रिवार्ड दिया जा सकता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि इस अध्याय में आएगा। वैसे इनाम की रकम आपका कह सकते हैं, तो फिर एक बार पीछे बताइए इनाम की रकम, कि अगर कोई सेना का भगोड़ा है तो सेना का अधिकारी, कल ही बताया गया, इनाम की घोषणा कर सकता है कितने रुपए का, 5। बहुत कम भाई, लेकिन यहाँ इनाम थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इनाम में देखिए आपका, मान लीजिए कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह डाकू था, सरकार ने उस पर इनाम रखा आपका कि जो कोई व्यक्ति इसको पकड़वाएगा हम उसे 50,000 रुपया क्या देंगे इनाम। फिर नहीं पकड़ में आया तो फिर रकम बढ़ा दीजिए, फिर नहीं पकड़ में आया तो फिर रकम बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। तो इनाम जो दिया जाता है वह कौन कितना दे सकता है, तो राज्य सरकार के लिए कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी दे दे। तो आपको करेक्टर में बताया भी था मैं, और जब एविडेंस की धारा 52 से 55 चलेगा तो थोड़ा डिटेल में हम करेंगे, कि आपका सील
यानी कि बुरा सील भी और अच्छा सील दोनों रेलेवेंट होता है, बुरा भी अच्छा भी। तो ऐसी दशा में आपका आगे बताया जाएगा डिटेल में, अभी छोड़ दिया जाए क्योंकि भाई। तो इनाम कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन कितना इनाम देने के लिए सशक्त या प्राधिकृत हैं, यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। राज्य सरकार का पूछे तो भाई उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो आपका कौन कौन इनाम दिए जा सकते हैं, तो आइए रिवार्ड इसको थोड़ा जुरिस्प्रूडेंस से जोड़ लीजिए। आपका इहरिंग महोदय, इहरिंग है ना आपका तुला यंत्र, इहरिंग महोदय ये कहते हैं कि जो व्यक्ति कानून का पालन करता है उसे रिवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे कोर्सन दिया जाता है। कोर्सन मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्ट में पढ़ाया गया था ना आपका प्रपीड़न, तो प्रपीड़न माने दंड, यहाँ प्रपीड़न का मतलब दंड हुआ। तो ये तुला यंत्र बताते हैं, आपका जुरिस्प्रूडेंस में फिर पढ़ाया ही जाएगा यूपीजे के लिए। वैसे अच्छा यही रहता कि यूपीजे थोड़ा 1-1.5 माह बाद आए, क्योंकि जो सुबह का पीरियड है एक या दो सब्जेक्ट अब लगातार स्पेशल बैचों में लगा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका एक या दो सब्जेक्ट हमेशा स्पेशल बैच में लगा रहेगा ताकि इसके बाद यूपीजे भी आपका मैंने पढ़ाया जाए। वैसे एपीओ बहुत लंबा टाल दिया, थोड़ा बहुत कम टालता और 15-20 दिन कम रखता, यानी कि जुलाई लास्ट तक रखता तो सही रहता। इससे होता क्या है कि पढ़ाने वाले भी थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और पढ़ने वाले भी थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। भाई टालिए लेकिन इतना, जिसे बिहार आयोग टाल दी, बिहार का है एपीओ, कब होगा कोई नहीं बता सकता। रोज फोन आ रहे हैं, जब हाई कोर्ट फैसला देगा तभी तो होगा। या दूसरा उपाय ये है कि दूसरा उपाय भी है, और वह उपाय ये है कि आयोग अपनी पिटीशन रिमूव कर ले, यानी कि वापस ले ले, तब भाई आपका हो सकता है परीक्षा और 1500 कुछ रिजल्ट निकाले, 1530 शायद, और तब आपका एग्जाम कराए। तो यही है कि हम बड़े तो हम बड़े, लड़के कह रहे हैं कि हम बड़े हम आयोग को छोड़ेंगे नहीं, तो आयोग भी कह रहा है कि हम बड़े लड़कों को हम जीतने नहीं देंगे। इसी बड़े बड़े में लड़ाई क्या हो गई, न तुम बड़े न हम बड़े, बस ये है कि बस मामला बढ़ क्या रहा है, एज। मैं बता दूं, लड़कों की 2 साल 1.5 साल से एज बढ़ रही है और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अगर वैकेंसी क्लियर हो जाए तो कुछ बच्चे कम से कम क्या पा लेंगे, नौकरी। बेचारों की शादी भी नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से रुकी हुई है। तो भाई परीक्षा करा लेनी चाहिए। अब यह है कि भाई आपका लोगों ने ये कहा कि जब मैंने बात हुई थी तो ये हुआ कि जब ये जून की छुट्टी बीत जाए तब एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाए, और आपका तमाम लोग कहे कि आप ही आगे रहिए सर, तो बिना आगे आए कहाँ कुछ होने वाला है। चाहे आंदोलन हो चाहे परीक्षा टलवाना हो, सभी लोग यही आशा करते हैं कि मनोज सर ही सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा। और आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आपका इंटरनल रूप से और धनी सहयोग मैं करता हूँ, भले फीस कम लिया जाता है, 1-2 लाख नहीं ली जाती फीस, फिर भी उसी फीस में खर्चा भी चलाना है, 2 पैसा बचाना भी है और आपका सामाजिक सेवा भी करनी है, ये भी ध्यान में रखना है भाई। तो मैं बताया था कि जो हिंदी के लिए आंदोलन चला था, लाखों रुपया मैंने खर्चा किया, उस समय मैं किया जब आपका उतना पैसा हमारे पास नहीं आ रहा था। और जितने लोग आंदोलन में शामिल थे, आप किसी से पूछिए, कोई अध्यापक इलाहाबाद का 1 पैसा नहीं दिया। कई ग्रुप बने, कई लोगों से पैसा मांगा गया तो कई टीचर ग्रुप ही को लेफ्ट कर गए जैसे ही पैसा का मामला आया।
चाहे याचिका दायर करनी हो। और मैं बता बैठा कि सैकड़ों लोगों को लेकर मैं लखनऊ पहुंचा था आपका यहीं से ट्रेन का टिकट कटा के, ये नहीं कि बिना टिकट नहीं, और खूब लोग खाए पिए उसी में समोसा कांड हो गया था। तो लास्ट में बता दिया जाए भाई आपका तब इनाम उनाम कल सोमवार को बताया जाएगा, क्योंकि समय भी आज कई कारणों से डिले हो गया आधा घंटा। तो आपका समोसा कांड एक लाइन में समझ लीजिए। कोचिंग के ही एक लोग गए थे, उनको भेजा गया कि जाकर आपका 70-80 समोसा लेकर आइए, ताकि भाई आंदोलन कर रहे हैं लोग, पानी वानी लेकर आइए। तो गए लोग तो अपना उधर नाश्ता पानी भी किए और समोसा मान लीजिए खरीदा गया 70, और आया जो समोसा घटना स्थल पर 50। तो भाई आपका हुआ कि समोसा क्या हुआ, तो खोजी कुत्ते तो लगे रहते हैं कि कहीं जाकर ये खुद समोसा दो चार न खा ले, यानी कि आप ये न समझिए कि आपके पीछे कोई न लगा हो। तो दो लोग, एक लोग गए थे समोसा लेने, तो एक लोग दूर से उनका पीछा कर रहे थे कि देखे ये कहाँ जा रहा है, और आधा किलोमीटर तक गए थे पैदल समोसा लेने। तब तक पता लगा कि समोसा लेकर लिए 70 और घटना स्थल पर पहुंचा 50, तो हल्ला हुआ कि समोसा कम आया है। तो फिर जांच कमेटी बैठाई गई, तो पता लगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियां आंदोलन में आई थी और बीच में समोसा उन्होंने उसी को दे दिया, यानी कि आपका समोसा कांड हो गया। अभी भी जांच, जब मैंने यह कि खोजी कुत्ते पीछे लगे थे इधर से जाने में भी उधर से आने में भी, और ये सत्य घटना है समोसा गायब हुआ। तो आपका समोसा 20 समोसा उधर रास्ते में ही लोग बांट दिए। तो अब बाद में हुआ कि क्यों दे दिए, यहाँ लोग भूखे हैं, पानी प्यास, मैंने सुबह से ही पुलिस से लड़ रहे हैं, विधानसभा का घेराव करना है। तो अंत में उसका फायदा ये हुआ कि हम मैंने हमारी मांगे मानी गई, हमें आपका वहाँ मुख्यमंत्री से भी प्रतिनिधिमंडल मिला, राज्यपाल से भी मिला, और समय भी दिया गया वहाँ, अपनी बातें गंभीरता से रखी गई, और रखने का ही परिणाम आज है, यानी कि 2 साल पहले 3 साल आंदोलन हुआ था उसी का परिणाम है कि सरकार ने सिलेबस में चेंजिंग लाया है। तो रेस्ट ले लीजिए, तो मन की दशा कुछ बताया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मन की दशा है, मन की दशा में तमाम उदाहरण विद्यमान है। आज 14 समाप्त कर दिया जाए भाई, रेस्ट ले लीजिए भाई 15 मिनट, तब आपका इनाम सोमवार को पढ़ाया जाएगा। 50 पैरा तक हो गया ना लगभग? हाँ 50 पैरा हो गया, इतना 2 दिन और अभी लगेगा, यानी कि बुधवार से भाई आपका आईपीसी शुरू हो जाएगी। 50 50 पैरा 2 दिन लगेगा।